So today we are going to discussing about the second type of equilibrium, dynamic equilibrium. So first of all, I would like to tell you about what is dynamic equilibrium. If a body is moving with a uniform velocity, then it's said to be in a dynamic equilibrium. It means कि अगर कोई भी body जो motion कर रही है, movement कर रही है, वो uniform velocity में हो, मतलब क्या? एक मखसूस टाइम मतलब स्पेसिफिक टाइम में हम इसको कैलकुलेट करें तो वो उसकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो चेंज ना हो, मतलब कि वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं आया, मतलब एक्सीलरेशन जीरो हो। जाहिर सी बात है वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी या कांस्टेंट रहेगी तो उसकी जो एक्सीलरेशन होगी वो जीरो रहेगी। जहां पे भी दिस बॉडी की भी एक्सीलरेशन जीरो रहती है वो उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा था इक्विलिब्रियम का, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, वहां पर क्या हो रहा था, बॉडी रेस्ट में थी। अब यहां पर क्या है कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, मतलब कि जो एक्सीलरेशन है वो जीरो है, तो हम उसको बोल रहे हैं कि इट इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, इट इज इन स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि व्हेन अ पैराट्रूपर जंप्स फ्रॉम एन एरोप्लेन इट गोस डाउन विद एन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जाहिर सी बात है जब जंप करेगा तो उसको जो जमीन है वो ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगी, वो 9.5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उसकी जो एक्सीलरेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। व्हेन द पैराशूट, जब वो पैराशूट अपना ओपन करता है, यू हैव सीन, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में कि जब हम जंप लगाते हैं एरोप्लेन दूर से तो हम अपना आफ्टर सम टाइम हम जो है वो पैराशूट अपने ओपन करते हैं। जैसे ही हम पैराशूट अपने ओपन करते हैं तो हम जो होते हैं, जो हमारी मूवमेंट होती है टुवर्ड्स द अर्थ, जो हमारी अर्थ की तरफ जो अट्रैक्शन होती है वो रिड्यूस हो जाती है और हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहे होते हैं, मतलब कि जो एक्सीलरेशन होती है वो जीरो होती है। यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम बनाई है, बनता है जो पैराशूट ओपन करके नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ जो फोर्स होता है ग्रेविटी का एक्टिंग डाउनवर्ड्स, वो बैलेंस होता है। कैसे बैलेंस होता है, जो एयर का रिएक्शन होता है, एयर का रिएक्शन पैराशूट की तरफ और जो नीचे हमारा जो बॉडी होती है अर्थ का जो अट्रैक्शन होती है वो बैलेंस होती है, मतलब वहां पर जो एक्सीलरेशन होती है वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है, जो एक्सीलरेशन होगी वो जीरो हो जाएगी। एक्सीलरेशन क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो हम इसको भी बोल सकते हैं इट इज इन स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या आएगा, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल जाके जमीन पे लैंड करेगा, कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगी, बिल्कुल यूनिफॉर्म जो है ना वो स्मूथली ड्राइव करके नीचे आ जाएगा, स्मूथली फ्लोटिंग करके जमीन पे आ जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज इन स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। याद रखते हैं जहां पे भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मतलब के एक्सीलरेशन जीरो होगी, तो इसको बोल सकते हैं, इस मूवमेंट को हम बोल सकते हैं इट इज इन स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो यहां पर मैंने एक छोटी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, बॉडी इज इन रेस्ट, या बॉडी रेस्ट में हो या फिर जो है उसकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो, मतलब एक्सीलरेशन जीरो हो, तो हम इसको बोलते हैं इट इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। दो टाइप थे, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक हमने फर्स्ट वीडियो में कर लिया था, एंड सेकंड वीडियो में जो डिस्कस करते हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस कर लिया, जहां पर एक्सीलरेशन जीरो होती है और बॉडी की मूवमेंट क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। तो ये आज का टॉपिक था हमारा, हम अगले टॉपिक में जो है वो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। सो सी यू इन अदर वीडियो, अल्लाह हाफिज़।